हेलो फॉक्स, यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स चाहेगा, दिस इज नॉन खेप। क्रिकेट में अक्सर हमने कई दोस्ती की बेमिसाल मिसालें देखी हैं, लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट की जय वीरू की जोड़ी की बात होती है तो शायद सबसे पहले जहन में नाम महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का आता है। आज ही के दिन एक साल पहले दोनों ही खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से। जी हाँ, 15 अगस्त 2020 की वो तारीख थी। मैं पल दो पल का शायर हूँ कहते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। हम इस पर्टिकुलर खबर से जो है रूबरू हो ही रहे थे कि इतने में एक और अनाउंसमेंट आ जाता है सुरेश रैना का, वो भी क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। काफ़ी कुछ बदल गया है बीते कुछ एक साल में, क्योंकि इस कोरोना के दौर में क्रिकेट भी एक अलग अंदाज में खेली जा रही है। बायो बबल बीच में आ चुका है, दर्शक जो हैं इतने ज़्यादा आपको स्टेडियम्स में नहीं नज़र आते हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है दोनों की दोस्ती में जो कि अलग दोनों को बनाता है? बात करेंगे कुछ खास पलों के बारे में, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया और भारत का नाम जो है लगातार दोनों ने मिलकर रोशन किया। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टैगर को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी फटाफट प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्या खास था दोनों की दोस्ती में जो कि सबसे अलग था, क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा इनकी होती थी। धोनी का डेब्यू 2004 में होता है और वहीं रैना का डेब्यू 2005 में होता है, लेकिन दोनों की असली दोस्ती शुरू होती है 2008 में। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स यानी आईपीएल में दोनों एक साथ एक ही फ्रेंचाइजी से खेलते हैं और कुछ ऐसी दोस्ती की मिसालें हमको उस दौरान देखने को मिली, चाहे वो ऑफ द फील्ड हो, ऑन द फील्ड हो। आईपीएल के साथ साथ टीम इंडिया के लिए भी दोनों ने कई बार ऐसे ऐतिहासिक मौके हमें दिए जहाँ टीम इंडिया हार की कगार पर थी और जीत की डगर पर जो है दोनों ही खिलाड़ी ले गए। धोनी और रैना ने एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 से ज़्यादा रन बोर्ड पर लगाए, इसके साथ साथ 10 सेंचुरी पार्टनरशिप, जी हाँ 10 बार 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप जो है धोनी और रैना के बीच में बिल्कुल हो चुकी थी और कहना पड़ेगा कि क्या खूब इनकी साझेदारी जोड़ी नज़र आती थी। लेकिन ये जोड़ी भी 2016 में टूटती है। जी हाँ, 2016 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बैन कर दिया जाता है, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि धोनी खेलते हैं पुणे की टीम से, वहीं गुजरात की कमान संभालते हैं सुरेश रैना। अब देखिए, पहली दफ़ा दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, धोनी कप्तानी कर रहे थे पुणे की तो वहीं कप्तानी कर रहे थे गुजरात की सुरेश रैना। दोनों की टीमें टॉप टू में जगह नहीं बना पाती हैं 2016 में। 17 में धोनी की टीम ज़रूर खेलती है फाइनल मुंबई के खिलाफ, लेकिन उसकी कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रहे थे। लेकिन 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी होती है और क्या खूब वापसी होती है। दोनों ही खिलाड़ी यानी चिन्ना थाला और थाला धोनी एक साथ मैदान पर नजर आ रहे थे और 2018 का टाइटल जो है चेन्नई अपने नाम कर लेता है। धोनी को पता था कि रैना का कैसे जो है बेस्ट प्रदर्शन निकलवाना है। रैना ने कई बार इस बात की तारीफ करी कि सबसे बेहतरीन कप्तान के अंडर वो खेले हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी को पता था कि भैया इस खिलाड़ी में टैलेंट है और कैसे इसका बेस्ट गेम जो है वो भारत के लिए निकलवाना है। तभी शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा जो कि आज मॉडर्न एरा के लेजेंड्स कहलाते हैं, वो धोनी की कप्तानी से ही निकले। और धोनी ने जांच लिया था, परख लिया था, वो बिलीफ रैना में डाल दिया था कि भैया आप बिल्कुल जो है टीम को मैचेस जिता सकते हैं, जिसकी झलक हमने कई बार 2011 वर्ल्ड कप में भी देखी। रैना ने अगर वो कैमियो नहीं खेला होता पाकिस्तान के खिलाफ तो शायद भारत फाइनल नहीं खेलता। रैना की अगर युवराज सिंह के साथ वो क्रूशियल पार्टनरशिप नहीं होती तो कैसे हम पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेल पाते। कुछ ऐसी पारियां रैना ने खेली हैं जिनकी शायद इतनी बात नहीं होती, लेकिन वो पारियों की बदौलत भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीतता है। और फिर धीरे धीरे वक्त आगे चलता जाता है, काफिला आगे चलता चला जाता है, लेकिन धोनी मैं पल दो पल का शायर कहते हुए क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। कुछ देर बाद सुरेश रैना भी क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। अक्सर हमने सुना है कि धोनी फिनिशेज ऑफ इन स्टाइल, लेकिन इसमें आप रैना का नाम भी जोड़ दीजिए कि धोनी एंड रैना बोथ फिनिशेज ऑफ इन स्टाइल। आप भी हमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है दोनों की जोड़ी का। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स टैगर को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।